दोस्तों, अगर आप कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं तो आपने मदरबोर्ड के बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन ऐसे में क्या आप जानते हैं कि ये मदरबोर्ड होता क्या है, इसका बेसिकली क्या यूज होता है, मदरबोर्ड में जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं उनका बेसिकली क्या यूज है, और मदरबोर्ड में जितने भी कंपोनेंट्स लगाए जाते हैं जैसे कि हार्ड डिस्क हो गया, पेन ड्राइव हो गया, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, सीपीयू हो गया, रैम हो गया, ये सब कहाँ लगाए जाते हैं मदरबोर्ड के अंदर, तो बेसिकली ये सब जानने के लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। हेलो दोस्तों, मैं मनोज सर हूं, आपका स्वागत करता हूं टेक्नोलॉजी के चैनल में। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर में ये मदरबोर्ड होता क्या है, कंप्यूटर में इसका बेसिकली क्या यूज है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप पहचान सकते हैं मदरबोर्ड में कौन सा कंपोनेंट कहाँ पे लगा जाता है। तो अगर हम बात करें मदरबोर्ड की, तो मदरबोर्ड कंप्यूटर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिसमें कंप्यूटर के सारे जरूरी कॉम्पोनेंट्स कनेक्ट होते हैं, जैसे कि हार्ड डिस्क हो गया, रैम हो गया, सीपीयू हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये सारे के सारे जो भी हार्डवेयर कॉम्पोनेंट्स होते हैं वो मदरबोर्ड में कनेक्ट होते हैं, और ये सब पॉसिबल मदरबोर्ड की वजह से ही हो पाता है। ये एक तरह का बोर्ड होता है, यानी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है, जिसमें कंप्यूटर के सारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स या फिर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स कनेक्ट रहते हैं, जिसकी वजह से हमारा कंप्यूटर चालू हो पाता है। दोस्तों, वैसे तो कंप्यूटर में बहुत सारे छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं और बड़े बड़े कंपोनेंट्स भी होते हैं, लेकिन यहां पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ही बताने वाला हूं जिनके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। तो आइए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि कैसे आप पता लगा सकते हैं कि मदरबोर्ड में कौन सा कंपोनेंट कहां पे कनेक्ट किया जाता है और उनका बेसिकली क्या यूज है। तो दोस्तों, ये रहा हमारा मदरबोर्ड। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि मदरबोर्ड में कौन सा कंपोनेंट कहां पे लगेगा और इनका बेसिकली क्या यूज है। तो दोस्तों, सबसे पहला जो कंपोनेंट आता है जिसका नाम है सीपीयू। यहां पर आप देख सकते हैं व्हाइट कलर का एक स्क्वायर में बना हुआ बोर्ड है जिसके अंदर आप अपना सीपीयू ऐड करते हैं, जैसे कि डुअल कोर हो गया, i3 हो गया, i5 हो गया, i7 हो गया, ये सारे प्रोसेसर हो गए। तो अगर आपको प्रोसेसर ऐड करना है तो बेसिकली आप सीपीयू के अंदर यहां पर ऐड कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट कंपोनेंट आता है जिसका नाम है माउस। अच्छा दोस्तों, अगर आप अपने मदरबोर्ड में माउस ऐड करना चाहते हैं तो ऐसे में आप इस पोर्ट के अंदर जो भी ग्रीन कलर का पोर्ट दिखाई दे रहा है, आप यहां पे अपने माउस को ऐड कर सकते हैं। तो बेसिकली इसका यूज यही है कि आप इससे अपने माउस को कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट कंपोनेंट आता है जिसका नाम है कीबोर्ड। अच्छा दोस्तों, अगर आपको अपने मदरबोर्ड में कीबोर्ड को ऐड करना है तो ऐसे में आप एक पर्पल कलर का पोर्ट होगा तो उसमें आप अपने कीबोर्ड को कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पोर्ट आता है जिसका नाम है सीरियल पोर्ट। जी दोस्तों, अगर आप अपने मदरबोर्ड में किसी भी तरह का VGA पोर्ट ऐड करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप अपने कंप्यूटर के स्क्रीन को दूसरे बड़े स्क्रीन में या फिर LCD में शेयर करना चाहते हैं, या फिर आप अपने मदरबोर्ड को यानी कंप्यूटर को एक प्रोजेक्टर से कनेक्ट करना चाहते हैं, तो ये सब बेसिकली आप VGA पोर्ट की मदद से आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पोर्ट आता है जिसका नाम है पैरेलल पोर्ट। जी दोस्तों, ये पोर्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए अगर आपको अपने मदरबोर्ड में किसी भी तरह का प्रिंटर या फिर स्कैनर ऐड करना है या फिर कनेक्ट करना है तो बेसिकली आप इस पोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पोर्ट आता है जिसके बारे में आप सभी लोगों ने सुना ही होगा, जिसका नाम है USB पोर्ट। जी दोस्तों, अगर आपको किसी भी तरह का एक्सटर्नल हार्ड डिस्क या फिर पेन ड्राइव कनेक्ट करना है अपने मदरबोर्ड से यानी अपने कंप्यूटर में, तो बेसिकली आप इस USB पोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पोर्ट आता है जिसका नाम है लेन केबल पोर्ट। जी दोस्तों, अगर आपको किसी भी तरह का नेटवर्किंग का काम है, आप अपने मदरबोर्ड में यानी कंप्यूटर में इंटरनेट यानी ईथरनेट केबल को कनेक्ट करना चाहते हैं तो बेसिकली ऐसे में आप लेन केबल पोर्ट का यानी इस पोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पोर्ट आता है जिसका नाम है ऑडियो पोर्ट। जी दोस्तों, अगर आप अपने मदरबोर्ड में यानी कंप्यूटर में किसी भी तरह का ऑडियो या फिर माइक या फिर स्पीकर ऐड करना चाहते हैं तो ऐसे में आप इस ऑडियो पोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट कंपोनेंट आता है जिसका नाम है CMOS बैटरी। चाहे दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका बेसिकली क्या यूज़ है, अगर आपके कंप्यूटर में जो भी टाइम या फिर डेट अपडेट होता है तो बेसिकली यही CMOS बैटरी की वजह से ही होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट पोर्ट आता है जिसका नाम है फ्लॉपी पोर्ट। चाहे दोस्तों, अगर आपको अपने मदरबोर्ड में किसी भी तरह का फ्लॉपी ऐड करना है तो बेसिकली आप इस पोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आजकल के जितने भी मदरबोर्ड होते हैं उनमें फ्लॉपी का कोई इस्तेमाल नहीं है, तो बेसिकली इस पोर्ट को आजकल के मदरबोर्ड से हटा दिया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट पोर्ट आता है जिसका नाम है PCI स्लॉट। चाहे दोस्तों, अगर आपको किसी भी तरह का अपने मदरबोर्ड में एक्स्ट्रा मॉडर्म नेटवर्क हार्डवेयर या फिर साउंड कार्ड या फिर वीडियो कार्ड ऐड करना है तो बेसिकली ऐसे कंडीशन में आप PCI स्लॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जितने भी ये वाइट स्लॉट दिखाई दे रहे हैं ये बेसिकली PCI स्लॉट है, तो यहाँ पर आप अपने एक्स्ट्रा मॉडर्म वीडियो कार्ड या फिर साउंड कार्ड को ऐड कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट स्लॉट आता है जिसका नाम है AGP स्लॉट। जी दोस्तों, अगर आपके कंप्यूटर में आप हाई डेफिनेशन गेम खेलते हैं
और ऐसे में आप एक्स्ट्रा ग्राफिक कार्ड को ऐड करना चाहते हैं तो ऐसे में आप AGP स्लॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं और यहाँ पर अपने ग्राफिक कार्ड्स को ऐड कर सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट कंपोनेंट आता है जिसका नाम है हीट सिंक। जी दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। इसका बेसिकली क्या यूज है, मान लीजिए अगर आपके CPU में यानी मदरबोर्ड में किसी भी तरह का हीट होता है या फिर अनवांटेड हीट आता है तो ऐसे में हीट सिंक बेसिकली उन हीट को अब्सॉर्ब कर देता है यानी कम कर देता है। तो बेसिकली हीट सिंक का यही इस्तेमाल है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्लॉट आता है जिसका नाम है रैम स्लॉट। जी दोस्तों, अगर आपको अपने मदरबोर्ड में किसी भी तरह का रैम ऐड करना है तो बेसिकली ऐसे में आप इस रैम स्लॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अपना रैम ऐड करना होता है यानी कनेक्ट करना होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आता है जिसका नाम है पावर कनेक्टर। जी दोस्तों, आपके मदरबोर्ड में जितना भी जो पावर सप्लाई होता है बेसिकली वो यहीं से होता है। यही एक पावर कनेक्टर है जिसकी मदद से आपके मदरबोर्ड में पूरा जो पावर सप्लाई होता है। तो दोस्तों, ये थे मदरबोर्ड में जितने भी कंपोनेंट्स थे उनका बेसिकली यूज और उन्हें आप कहां कहां पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि कितनी आसानी से आप जान सकते हैं कि मदरबोर्ड में कौन सा कंपोनेंट कहां पे लगा जाता है और इनका बेसिकली क्या यूज है। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर में ये मदरबोर्ड होता क्या है, इनका बेसिकली क्या यूज है, और इसके बाद अब आप किसी को भी बता सकते हैं कि मदरबोर्ड में कौन सा कंपोनेंट कहां पे लगा जाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, शेयर भी करें, मन में कुछ सवाल हो तो नीचे कमेंट करें, और अगर आपको इसी तरह के वीडियोस पसंद है तो आप हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर सकते हैं नीचे सब्सक्राइब पर क्लिक करके और बेल आइकन पर दबा के लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी पा सकते हैं। और अगर आपने अभी तक मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो नहीं किया तो आप मुझे वहां पर जाके फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल जाएगा। तो दोस्तों, मिलता हूं मैं आपको एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।